जी, मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं और हम और आप जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन कर रहे हैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज तेजिंदर बिर्क हैं हमारे साथ, जिनका परिचय पहले भी है आपसे हमसे, और जिस समय लखीमपुर में घटना घटी थी आपने इन्हें देखा होगा, कोशिश थी कि इन्हीं को कुचल दिया जाए, भगवान की कृपा थी कि इनकी जान बच गई, इनके ऊपर जो उस समय गाड़ी चढ़ाना चाहते थे, चोट तो इनको बहुत लगी, और जब लोगों ने इन्हें देखा नीचे पड़े हैं तो लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे। वहां के किसान लोगों ने, नेताओं ने इन्हें तुरंत लखीमपुर में भेजने का काम किया इलाज के लिए। उसी समय मुझे जानकारी हुई कि तेजिंदर बिर्क के साथ ऐसी घटना घट गई है और कुछ किसानों की कुचलने से जान चली गई है, घटना बड़ी है। मैंने उसी समय अपनी पार्टी के नेताओं को फोन किया कि क्या घटना हुई है, तब जानकारी मिली कि तेजिंदर बिर्क अस्पताल में है। मैंने कहा कि तुरंत मेरी बात कराओ, वो अस्पताल पहुंचा हमारी पार्टी का नेता, तेजिंदर बिर्क जी से उस समय बात हुई मेरी, और साथ ही साथ मेरी डॉक्टर से भी बात हुई जो तेजिंदर बिर्क को उस समय देख रहे थे। मैंने डॉक्टर से यही कहा कि अगर आप इलाज कर सकते हैं तो आप इलाज करिए, और अगर रेफर करना चाहते हैं, इनके परिवार के अगर लोग चाहते हैं रेफर कर दें और इलाज कहीं और हो जाए इनका, तो वो तुरंत करिए जिससे इनकी जान बच जाए। सच्चाई यह है कि समय पर इलाज और वहां के नेता कार्यकर्ताओं ने जो इनकी मदद की, और सबसे बड़ी मदद की है भगवान ने जो इन्हें बचा लिया। इन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी, और मैं तमाम अपने किसान नेताओं को, किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने संघर्ष किया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका ही दिया। तीन काले कानून आए थे, तीन काले कानून लाए गए थे किसानों के ऊपर, न जाने कैसे कानून लागू हो रहे थे, खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, किसान मजदूर बन जाता, दूसरों के हाथ में पूरी की पूरी फसलों का, अनाज का कंट्रोल चला जाता, मार्केट पे छूट जाता हमारा किसान, किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की, और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो तीन कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूंगा कि तेजिंदर बिर्क जी हमें संकल्प दिलाएं, और तेजिंदर बिर्क के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्य संकल्प लें, और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। हाँ, खड़े हो। अनाज, गेहूं और चावल आप भी ले सकते हैं। आई खड़ो, हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों
पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे, ये हमारा अन्न संकल्प है। जय जवान जय किसान। और इसके साथ साथ हम अपने पत्रकार साथियों से भी कहेंगे बाद में चुपचाप आप भी लेना संकल्प। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो तो आएगा और मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन आज किसान के सवाल पे जब अन्न संकल्प लिया है तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। बहुत अच्छा सवाल इसलिए पूछा, कभी उनसे पूछिए जिन्होंने ये कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी भी इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और जहां तक समाजवादी पार्टी का है, इसीलिए मैंने कहा कि हम मैनिफेस्टो में जब आपके सामने आएंगे उन तमाम बिंदुओं को रखेंगे जिनसे इन चीजों को पूरा किया जाएगा। अगर आज किसानों पर रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इन्हीं बिंदुओं पर रखिए, क्योंकि इधर उधर की बात होगी तो बहुत लंबी बात जाएगी। समाजवादी पार्टी और हम अन्न संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्न संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को, इस फैसले को आगे बढ़ाएं। वो अभी पार्टी तय कर लेगी, अभी तक तो डिबेट उसी पे चल रही है टीवी। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पे न फंसिए, आप भी अन्न संकल्प लीजिए। अखिलेश जी, किसानों की बड़ी समस्या ये है कि जो छोटे जानवर उनके खेत खराब कर देते हैं,
भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ पैसे लगाए हैं। आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में हजारों करोड़ जानवरों की देखभाल के लिए, रखवाली के लिए, गाय माँ के उनके खाने के लिए इंतजाम किया, लेकिन आज भी सरकार नाकाम रही है। तो जवाब आपको भी याद नहीं होगा। मैं आपको एक गाड़ी दूंगा और आप एक्सप्रेसवे पे जाइएगा, 100 एकड़ में लगभग वो मंडी बन रही थी, जिसमें किसान आए, एक ही जगह उसे सुविधा मिल जाए, एक दो डिस्ट्रिक्ट के किसानों को वहीं सुविधा मिल जाए, आप जरूर देख करके आइए। और भारतीय जनता पार्टी जहां ये दावा कर रही थी कि 1 लाख करोड़ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेंगे, समाजवादी पार्टी जानना चाहेगी और उत्तर प्रदेश के किसान जानना चाहेंगे आखिरकार उस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उत्तर प्रदेश को कितना फंड मिला है। तेजिंदर बिग जी का सम्मान समाजवादी पार्टी करेगी। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे लगे हैं उन मुकदमों को सभी वापस लिया जाएगा। जिन किसानों की जान गई है, शहीद हुए हैं, उन किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए सरकार बनने पर दिया जाएगा। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि 5 साल सोते रहे और दिल्ली और लखनऊ की डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी। सभी वर्गों को प्राथमिकता पे गरीब मध्यम वर्ग को मिलेगा। मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे परिवार की हमसे ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के तो नहीं सवाल पूछ रहे हो? हाँ, ये असली सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाने के लिए कि उन्होंने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई और कई मौकों पर मैंने कहा अंग्रेजों की सरकार में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। जलियांवाले बाग में सीने पर गोली चलाई अंग्रेजों ने, और यहां पर जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन खत्म करके अपने घर लौट के जा रहे थे, पीछे से जीप चढ़ाई। उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? इसीलिए हम संकल्प ले रहे हैं, ये अन्य संकल्प ले रहे हैं, जिन्होंने किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया है उनको हटाएंगे और हराएंगे। वो आपने ढंग से उनका संकल्प पत्र नहीं पढ़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2022 आते हुए किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं तारीख बदलने से, साल बदलने से किसानों की आय दोगुनी कैसे हो जाएगी? जो सवाल इधर से पूछा गया था कि जब तक उसको सुविधाएं नहीं दोगे, जैसे बिजली सस्ती दे रहे हैं, किसान को सिंचाई माफ कर रहे हैं, अभी और भी चीजें आएंगी, तब बीजेपी वाले पूछेंगे इतना फंड कहां से आएगा। मैं आपको भाई मानता हूं, जो भी लोग हैं
हम छोटे बड़े भाई मानते हैं, जो उम्र वाले हैं उन्हें चाचा मानता हूं, तो अब और क्या कहें हम। अरे मैंने आपसे कहा कि जो राजनीति है, और कल भी मैंने बात कही थी कि समाजवादी पार्टी ने त्याग किया अपनी अपनी गठबंधन के लोगों को सम्मान देने के लिए, साथ लाने के लिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए, समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। समाजवादी पार्टी ने, और केवल समाजवादी पार्टी का प्रयास नहीं था, केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी की सवाल नहीं था। अगर पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। क्या इतिहास नहीं ये जानता? इतिहास में वो बातें दर्ज हैं कि पत्र लिखे गए थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए। और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया था, उससे पहले नेताजी ने कोशिश की थी। माननीय काशीराम जी को पहली बार सदन में अगर कहीं से भेजा गया था, वो हमारे गृह जनपद से भेजा गया था, इटावा से भेजा गया था। तो कोई किसी के कहने से आरोप न लगाए, इसीलिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बड़ी बड़ी साजिशें हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, होंगे। वो सवाल जो आया था वो भी षड्यंत्र का हिस्सा था, ये सवाल जो आया ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है, बड़े षड्यंत्र होने जा रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। इसलिए षड्यंत्र और साजिश से आप भी बचाइए उत्तर प्रदेश को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दोगुनी जो उधर से सवाल किया है, मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि अगर बाबा मुख्यमंत्री आपको मिल जाए भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछिए आपने संकल्प पत्र में लिखा था क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई, आखिरकार लिखा क्यों था। और उनका भाषण पुराना उठाइए, उसमें कहा कि 2022 आते ही किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये कोई जादू था उनके पास कि तारीख बदलने से, साल बदलने से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? लेकिन जिस तरह किसान जानवर से परेशान है, जिस तरीके से उसकी मदद होनी चाहिए, सरकार मदद नहीं कर पा रही, खाद नहीं सरकार दे पा रही, बताइए। जो बड़ी बड़ी हवाई बातें करते हैं, उनके पास खाद नहीं है देने को। नहीं, ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पहला शायद इंटरव्यू आपने किया था। हाँ, पहला इंटरव्यू इसलिए किया, तो इसलिए आपको, क्योंकि पत्रकार हैं आप, तो पत्रकारों को और भी जानकारी करनी चाहिए। जिस समय मैंने दो सीटें दी वो स्वीकार कर लिया, उसके बाद पता नहीं कहाँ संगठन में किससे बात हुई, दिल्ली बात हुई, कहाँ बात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम दो सीट पर नहीं रह सकते, हमारे संगठन में आपस में सहमति नहीं है। इसमें समाजवादी पार्टी का क्या दोष है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बैठे हुए लोग दूर दूर साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आज देखिए चुनाव की धज्जियां उड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हर जगह धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन आप पार्टी कार्यालय में देखिए, कोई नहीं आ सकता है। समाजवादी पार्टी के कहीं कार्यक्रम में जाएंगे, आपको नोटिस मिलेगा, FIR दर्ज होगी। और मैंने देखा था अपना चुनाव बहुत करीब से, बहुत चुनाव करीब से देखा था। कन्नौज में कई हजार रेड कार्ड इशू हुए थे, कई हजार, और पुलिस वहां लगाई गई थी जहां पर समाजवादी पार्टी का वोट है। नौगांव सादात का जब बाई इलेक्शन हुआ, उस समय कोविड प्रोटोकॉल के बहाने, आप पता करिए एम्बुलेंसेस कहां लगी थी, पुलिस किस जगह ज्यादा लगी थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथों को खुला छोड़ा हुआ था। इसलिए चुनाव आयोग को मैं कहूंगा, चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा कि इस तरह की घटनाएं हुई थी, चुनाव आयोग ये माने और जानकारी करे कि आखिरकार उस समय कन्नौज में इतने रेड कार्ड क्यों इशू हुए थे। नौगांव सादात का बाई इलेक्शन हुआ था जहां पर पुलिस को खुली छूट थी कि अगर वोट डालने जाएं तो इन्हें वोट डालने मत देना,
और अगर डालने जाए तो इस बात के लिए डराना कि तुम्हें कोविड में एम्बुलेंस में बैठा करके अस्पताल भेज दिया जाएगा। कुछ जानवर की बात कह रहे हैं इधर, नहीं किसकी वजह से हो रहा मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जानवर किसने छोड़े हुए हैं बताइए आप, क्या योगी जी ने पकड़ा जानवर कोई? नहीं, मैं हमारा पत्रकार साथी कम उम्र का है, पहली बार लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है, तो मैं चाहूंगा कि ये हमारा साथी जो है समझदार है, कुछ जानवर के लिए बताओ कि भाई हम क्या करें, हम नहीं समझ पा रहे कुछ। हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे कि पत्रकार साथी कुछ सुझाव हमें दो कि जो सवाल आप कर रहे हो उस सवाल की समस्या और समाधान कैसे ढूंढे। हाँ समस्या समाधान ढूंढिए तो बताएंगे, समझ गए आप? हैं? ए इनकी बात हुआ तो भाई राजेश इनकी बात सुरेश सॉरी हाँ सवाल दोबारा पूछो, दोबारा पूरा ढंग से पूछिए। हाँ ए समझ नहीं, सवाल ही नहीं पूछ पा रहा है, आप मुझे बताइए। और एक सवाल मैं पूछूंगा, अगर ये जानवर पे तैयारी करके आए हैं, अगर ये जानवरों पे तैयारी करके आए हैं हमारे पत्रकार साथी, तो हमारी उसमें मदद करना। अब सवाल पूछो। मैं अपने पत्रकार साथी जागरूक साथी से कहूंगा कि आप हमें कुछ सुझाव देना चाहे तो दे दें, हम उस सुझाव को जरूर शामिल करेंगे। और साथ ही साथ वो आंकड़े भी बताइए कि किस सरकार में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 दिन सभी विधायकों को कर्मचारियों को विधानसभा में जगाया था और उस समय इस बात की चर्चा की गई थी कि सस्टेनेबल गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। उस समय जब जागे हुए विधायक मुख्यमंत्री खुद जागे रहे, अगर उस समय काम किया होता सस्टेनेबल गोल्स पर तो जो आज आरबीआई के आंकड़े आ रहे हैं वो नहीं आते। समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास करेगी और इस दिशा में जाएगी जिससे किसानों के घर परिवार में खुशहाली आए। इसीलिए तो आपने अच्छा बता दिया, 20% खर्च हुआ तो 80% बच गया तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। आपका जवाब आ गया वहां से, आप उन्हीं से पूछ लेते सवाल, हमसे क्यों सवाल पूछ रहे थे बताइए, हमसे सवाल पूछ रहे, जवाब उनके पास रखा है। नहीं अभी उम्मीदवार नहीं है लेकिन कम से कम कुछ सीखने को तो मिलता है। जब अगर 80% बजट नहीं खर्च हुआ तो वो पैसा इस्तेमाल होगा, किसानों की सुविधाओं में इस्तेमाल होगा। और कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहिए, खजाने में पैसा बचाया कि सब बर्बाद कर दिया। और मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि जो सूचना विभाग का इतनी जल्दी झटपट खर्च हो गया, कहां कहां खर्च हो गया हमें भी तो बता दो। अरे कई बार सवाल पूछा अपने आप जवाब मिल जाएगा जब नाम आएगा। था नहीं मैं, हमारे लिए तेजिंदर बिर की बड़े नेता हैं ये, क्यों नहीं वो भी नेता है, आप अगर बुलवा दो तो हम बुला लें उन्हें।
अगर आपका संपर्क हो और आपके कहने से आ जाए तो हम बुला लेंगे यहाँ पर। अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता, उम्र ज्यादा हो गई, आप बोलिए। अभी सब कुछ नहीं बताया जाएगा, जब डिटेल में मैनिफेस्टो आएगा तो बहुत सी चीजों की जानकारी आपको होगी। अब मुझे लगता है कि बीजेपी भी इसमें शामिल है साजिश में। अब मुझे लगा, अभी तक तो मैं कांग्रेस मान रहा था, अब मुझे दिखाई देगा बीजेपी भी शामिल है। मैनिफेस्टो आएगा भारतीय जनता पार्टी के बाद। पहले भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनके स्मार्ट सिटी कितने बने, उसके बाद समाजवादी पार्टी का आएगा घोषणा पत्र। तो फसल बीमा की किस्त कौन देगा? किस्त कौन देगा? नहीं, किस्त कौन देता है? बैंक देगा किस्त। हम जानकारी कर लेंगे, इसमें हमें जानकारी नहीं है, अभी हमें जानकारी नहीं है। क्योंकि मुझे याद है कि जब फसल बीमा को लेकर के भारत सरकार ने कुछ टिप्पणी की थी उत्तर प्रदेश सरकार को, तो बहुत सारे किसान इस पक्ष में नहीं थे, फसल बीमा के पक्ष में। और फसल बीमा का पैसा भी किनको मिल रहा है? मुझे याद है इस बात के लिए भी कि जिस समय समाजवादी सरकार में किसान दुर्घटना बीमा में एक बैंक के माध्यम से किसानों को जब मदद करते थे 5 लाख दुर्घटना बीमा, तो उसमें बहुत सारी कानूनी ऐसी चीजें थी जिससे किसान को समय पर मदद नहीं हो पाती थी। उस समय समाजवादी सरकार ने बैंक को हटा करके सीधा सीधा सरकार ने मदद करने का काम किया था किसान दुर्घटना में। इसलिए बैंकें होती हैं मदद के लिए, सरकारें होती हैं मदद के लिए। बैंक और सरकार मिलकर के किसान को और गरीब को उलझाना नहीं चाहिए। ये तमाम ऐसी योजनाएं बनी हैं जो उलझाती हैं, इसलिए जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तो नहीं बता पाएंगे। बीजेपी क्या कह रही है बताओ पहले। नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। आप मुझसे सवाल पूछिए कि बीजेपी किसानों की आय दोगुनी के लिए क्या कह रही है। नहीं, आप मुझसे सवाल पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दोगुनी के लिए क्या कह रहे हैं, बताइए। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के लिए क्या कह रहे हैं, ये बताइए, पूछिए। नहीं, वो सवाल पूछिए जो किसानों के हित का हो। अभी ये नौजवान पूछ रहा था कि जानवर से बर्बाद हो रहे हैं किसान। आप पता करिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा जानवरों से अगर कहीं जान गई है तो उत्तर प्रदेश में जान गई है। अगर आज भी अखबार आपने पढ़े होंगे, ध्यान से देखिएगा खबर, तो कहीं ना कहीं सांड ने किसी ने किसी को मारा होगा। दाम बांधो नीति है, किताब दे देंगे, पढ़ लेना लोहिया जी की। कोई आवेदन करेगा तो उसको दे देंगे। किस विधानसभा से हो आप? नहीं जीत पाओगे। इसलिए नहीं जीत पाएंगे, वहां जो माफिया हैं, तुम ईमानदार आदमी हो। हैं? तो जो माफिया लोग हैं, जब तुम वोट की तारीख आएगी, जब वोट की तारीख आएगी, एक रात पहले वो माफिया जाएंगे घरों में, वो स्याही लगवा देंगे घरों में। कैसे जीत जाओगे आप? और आज तक उनपे कार्रवाई नहीं, उन माफियाओं पे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए रात भर स्याही लगाई उंगलियों पर। ये था गुजरात मॉडल।
कि रात में ही स्याही लगा दो। क्रिकेट में तो अभी वो डीएमएस फिर पिच बना दें कहीं ना कहीं किसी को खेलने के लिए, और आईपीएस फरार है, सोचिए आईपीएस फरार है। ये जो बात कर रहे हैं दंगा कानून व्यवस्था, ये जानबूझ करके किसान के मुद्दे से चुनाव हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें जवाब ना देना पड़े कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। इसीलिए हम समाजवादी लोग और किसानों से भी अपील करेंगे कि अन्न संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और उत्तर प्रदेश से हटाएं। देखिए ये तो आपके खुद के आचरण ने बनाया आपको, हम तो हर एक को ईमानदार बोलते हैं, लेकिन जनता को समझे तो अलग बात है। भाई मैंने ईमानदार कहा, आप हंसे क्यों? ये तो गलती आपकी है। एक बार उधर ले इस सवाल, नहीं उसके पक्ष में नहीं है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने अपील की है अपने लोगों से कि बूथ पर वोट डालेंगे जाके। मैंने ये खबर पढ़ी है, मैंने अखबार में खबर पढ़ी है कि टैबलेट जो दी गई हैं वो चल नहीं रही हैं, और कुछ अखबारों में या किसी ने जानकारी ये भी दी है कि जिन स्पेसिफिकेशंस पे ये खरीदने चाहिए थे उन स्पेसिफिकेशंस को ना लेकर के दूसरे स्पेसिफिकेशन के टैबलेट्स बांटे गए हैं। तो ये जांच का विषय है। अब कोई पत्रकार कहेगा जांच कब करोगे, ये जांच का विषय है, इसलिए ध्यान मत हटाइए, केवल अन्न संकल्प पे आप और हम रहें। मैं अलीगढ़ की जनता से कहूंगा कि हरदुआगंज पावर प्लांट बनाया, फोर लेन से जोड़ा, विकास की तमाम योजनाओं से जोड़ा, उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए बहुत काम किए, विधानसभा स्पेसिफिक इस बार विकास करेंगे हम लोग। अर्बनाइजेशन कैसे हो, क्योंकि दोनों विधानसभा वो है जो अर्बन है, थोड़ा रूरल पार्ट भी है, इतना इम्पोर्टेंट सेंटर और वहां पर विकास की जरूरत भी है। इसलिए समाजवादी पार्टी की मदद करें, भारतीय जनता पार्टी झूठे लोगों को हटाएं, समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर वोट दें। समाजवादी पार्टी अन्न संकल्प के साथ सभी के साथ खड़े होकर के सभी को मनाएगी, सभी का साथ लेगी। ये राशन आगे भी बटे इस भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में लाई। भारतीय जनता पार्टी इस बात को घोषणा पत्र में लाए, लेकिन उनके घोषणा पत्र में जो आई हुई चीजें वो पूरी नहीं की, इसलिए झूठ भी लिख सकते हैं वो। समाजवादी पार्टी उनसे बेहतर व्यवस्था करने का काम केंद्र से भी सहयोग लेकर के कराएगी। जो व्यवस्था केंद्र से चल रही है, समाजवादी सरकार आएगी तो उससे भी बेहतर व्यवस्था राशन की गरीबों के लिए समाजवादी सरकार में होगी। और साथ ही साथ, क्योंकि न्यूट्रिशनल फूड होना चाहिए, न्यूट्रिशन हो, उसमें स्वास्थ्य के लिए बेहतर खाना हो, तो समाजवादी सरकार बनने पर बुंदेलखंड में जिस तरीके से घी दिया जाता था गरीब को, उस तरीके से घी भी दिया जाएगा। ये चुनाव में हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो उसमें चीजें शामिल होंगी, लेकिन ये गरीब जान लें, आप लोग जान लें, ये व्यवस्था नवंबर तक थी, चुनाव आ गया तो मार्च तक कर दी। केंद्र सरकार को इस योजना को और उत्तर प्रदेश सरकार को योजना को आगे भी बढ़ाना चाहिए, समाजी सरकार बनेगी, इनसे बेहतर व्यवस्था लाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल ये पूछना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ये कहते हैं जीन तक पहुंच जाते हैं, डीएनए और जीन में इनके कुछ है, हमने कभी नहीं कहा कि जीन में क्या है। कल या परसों अखबार में पढ़ा मैंने, फ्रंट पे था कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे जीन्स में ऐसा है उनके। हमारा यही निवेदन है मुख्यमंत्री से कि डीएनए आरएनए दोबारा पढ़ लें तो वो जानकारी होगी स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं।
हाँ जी, किससे? समाजवादी सरकार में सभी नदियों को साफ किया जाएगा। जो नदी हम पूजा पाठ में पानी इस्तेमाल करते हैं वो नदियां गंदी ना हो। भारतीय जनता पार्टी ने मां गंगा से झूठ बोला, और जो काम चल रहे थे, ये नदी का किनारा जो गोमती रिवर फ्रंट बना है, ये केवल रिवर फ्रंट नहीं था, एक एग्जाम्पल था कि शहर के अंदर के नाले गंदगियां न जाएं। हमारे उत्तर प्रदेश के जितने शहर हैं किसी न किसी नदी पे के किनारे बसे हैं, या वहां के नाले वहां की गंदगी किसी न किसी नदी में जुड़ जाती है जाके। इसलिए ये शहर तो नहीं हटाए जा सकते। अब एक ही ऑप्शन ये है कि हम शहर में अपनी नदियों को कैसे साफ करें, कैसे उनमें साफ पानी बहे, उस पर समाजवादी सरकार काम करेगी। काली नदी बर्बाद हो गई, हिंडन बर्बाद हो गई, यमुना बर्बाद हो गई। मुझे याद है, शायद आपको भी पता होगा, आप ही ने बताया, किसी ने बताया कि चौधरी चरण सिंह जी हिंडन नदी के किनारे बैठ करके पानी से हाथ धो लेते थे, पानी नहा भी लेते थे। सोचिए आप, हमारे गांव में ऐसे बुजुर्ग हैं जो कहते थे कि हम बम्बे का पानी पी लेते थे। ऐसी ऐसी नदियां थी जिसमें साफ पानी बहता था। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कांग्रेस है, जिम्मेदार बीजेपी है। और बीजेपी और कांग्रेस का हिसाब किताब लगाओ, कितना पैसा नदियों में बहा गया, बर्बाद हो गया। अब जब दिल्ली जैसी जगह यमुना साफ नहीं हो पाई, ये आईना है गोमती रिवर फ्रंट और वरना नदी रिवर फ्रंट जो बन रहे थे, ये आईना है, आईना। जो सरकारें नदियां साफ करना चाहती हैं उनके लिए एग्जेम्पलरी काम है जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने करके दिखाया। हजारों करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है बर्बाद करने की। प्लानिंग के साथ सही तरीके से किया जाए तो वो नदी साफ बही जा सकती है। और आपने देखा होगा जब डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस का जो एग्जीबिशन थी जिस समय, क्या नजारा था गोमती के किनारे, क्या क्या नहीं हो रहा था, वहां रोइंग हो रही थी, हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, और नेवी और एयरफोर्स के लोग न जाने कितने कार्यक्रम कर रहे थे। तो ये हर साल हो सकता है और पूरे साल ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री, उन्हें इसी की चिंता है जो यहां बैठा हमारा नौजवान जो पूछ रहा है। अरे सांड छोड़ो, गोबर नहीं हटा पाए सड़कों पे गोबर। और अभी तो एक वीडियो वायरल हो रहा है, सांड एक बाबा को दौड़ा ले रहा है। हाँ, वो बाबा को दौड़ा रहा, बताइए। कौन? अरे बीजेपी की हमें चिंता नहीं है, बीजेपी न जाने कितने गठबंधन करेगी, कुछों से ऊपर हाथ मिलाएगी, कुछों से अंदर हाथ मिलाएगी। तो आप लोग उनकी न्यूज चलाओ, कुछ हमें फायदा हो। उनके स्टेटमेंट चलाइए कि उनसे क्या वादे किए गए थे, वादे पूरे नहीं हुए, चलवाइए आप न्यूज में। नहीं, हम तो सीटी नहीं दे सकते अब किसी को। अब तो हमने ये भी कहा कि बीजेपी वाले अपनी टिकट बांट लें, हम किसी को नहीं लेंगे अब उनके। कहां पर? नहीं, अगर आपका संपर्क हो तो उनसे बात कर लीजिए, टिकट अभी घोषित, टिकट हम तुरंत दे देंगे उन्हें। मुझे याद है, आपको याद हो ना याद हो, जो बात मैं कह रहा हूं आप दोबारा रिकॉर्डिंग निकाल लेना, मैं जो बात कह रहा हूं। जिस समय मैं शपथ के कार्यक्रम में गया था, जो अभी मुख्यमंत्री जी उनके, मैंने अपनी आंखों से देखा था, राधे मोहन सिंह जी को कोई जगह नहीं मिली थी बैठने के लिए, राधे मोहन अग्रवाल जी को। वो दाईं तरफ बेचारे अकेले खड़े थे, जहां एक स्टेज बना हुआ था। उनका सबसे ज्यादा अपमान हुआ है, उनका सबसे ज्यादा अपमान हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। नहीं, अगर अरे अभी पत्रकार साथी टिकट मांग रहे थे, तुम शामिल हो जाओ, हो गए शामिल, जाइए। अच्छा ठीक, बहुत स्वागत आपका, ठीक है। आप पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।